घूम को हम घर से बाहर खदेड़ के जरूर आते हैं। हल्दी काली चोट पे लगा ले, और जो चोट मेरे दिल पर और मेरे प्राइड पे लगी उसका क्या? अलमारी में छुपते वक्त तेरा प्राइड कहाँ गया था? अगर तू वापस हमारे कमरे में आई ना तो आऊंगी। ये घर भी मेरा है, वो कमरा भी मेरा है, और अर्जुन भी मेरा है। अगर ये सच होता ना तो आज हमारी जगह तू होती। तेरी इतनी हिम्मत? अभी अभी बड़ी दादी से पिट के आई है तू। हाथ नीचे कर ले वरना बच्ची कसर हम पूरी कर देंगे। तेरी इतनी हिम्मत? आप आ गए। मैंने इसे कहा कि मेरी चोट पे लेप लगा दे तो इसने कटोरी फेंक दी। आपके आने से पहले ये मुझे बहुत गंदे गंदे ताने भी दे रही थी। कह रही थी ये घर मेरा नहीं है, ये फैमिली मेरी नहीं है, मैं एक आउटसाइडर हूँ। हमारी अनु के जख्मों की वजह भी तू है और मरहम भी तू ही बनेगी। चल पैर दबा उसके। क्या हुआ? ये घर तेरा है ना, तो इस घर के लोगों की सेवा नहीं करेगी? करेंगे, क्योंकि हम अपनों की बात नहीं टालते। दोबारा परेशान किया तो हमें आवाज जरूर लगाना। जी नानी। थैंक यू नानी। तेरी औकात यही है मिश्री। अगर तू हमसे झूठ बोलती ना तो मिश्री बाइंड नहीं करती, पर तू तो अपनी खुद की फैमिली तक को नहीं छोड़ती। अगर हमें इतना प्यार करने वाली फैमिली मिलती ना तो हम तो खुशी के मारे पागल हो जाते। शायद इसीलिए माता रानी ने हमको अकेला रखा। ये सब बहुत अच्छा है प्रिया, सबके हिस्से की नफरत तो भले ही हमसे कर ले पर इन सबको सिर्फ प्यार दे प्लीज। लेक्चर मत दे, पांव दबा। पापा तू स्माइल मत कर, तेरे पापा नहीं है मेरे पापा हैं। हेलो पापा। हाँ बस थोड़ी सी चोट आई है, आप फौरन आ जाओ। और हाँ आते रहना, मेरी फेवरेट आइसक्रीम भी लेते आना, ठीक है? बाय। इतनी रात को उन्हें क्यों परेशान कर रही है, उनकी एज तो दिख। पापा को परेशान करना बेटियों का राइट होता है, पर तू ये बात नहीं समझेगी क्योंकि तू तो अभी भी अनाथ है और तेरे वो बुड्ढे स्वामी बाबा वो अभी भी जेल में है। क्या पता उनका हाथ तेरे सर से कब उठ जाए। प्रिया चिल्ला मत, तूने मेरे पैर दबाए हैं,
तेरी लाइफ में ये जो बची कुची खुशियां है ना, उनका गला मैं दबा दूंगी। हमसे बात करने आई है या उस लड़की की तरफदारी करने? आज जौन कांड अनु ने किया है उसके बाद भी कहा हमको मिश्री की तरफदारी करने की जरूरत है? कांड? जी जी, अनु बिचारी नेटवर्क ढूंढती हुई पहुंच गई थी उन दोनों के कमरे में। ए पूर्णी, ये बाल ना तुमने धूप में सफेद किए होंगे, हमने नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? हमारी अनु झूठी है और आपकी मिश्री सच्ची? जी जी, वो लड़की अर्जुन को फंसा के इस घर में घुसाई है और आप कह रही हैं कि वो तुम्हारी बहुरिया है? बहुरिया कौन घुसपैठिया नहीं है, और तुम्हारा अर्जुन उनको बिया के लाया है। अरे अगर नाराजगी ही दिखानी है तो अपने पोते से भी तो दिखाओ। दिखाएंगे जी जी, जरूर दिखाएंगे। उस मिश्री का सच उसे भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, तभी आपके समझ में आएगा कि हनु के बारे में जो आप कुछ सोचती हैं ना, वो कितना गलत है। अरे हमको तो वो लड़की हमेशा से गलत लगती है, उसमें ना तो ब्रिज का कौन गुण है और ना ही विद्या का। सच कहें पूर्णी, तो वो अनु से ज्यादा हमको मिश्री उन दोनों की याद दिलाती है। आप भूल रही हैं जी जी, ये अनु बेचारी बचपन से अनाथालय में पली है, किस्मत ने उससे माँ बाप का साया छीन लिया। वो बेचारी सीखती भी तो कहाँ से सीखती? अरे सिखाए पहाड़े जाते हैं, संस्कार नहीं। संस्कार तो विरासत में मिलते हैं। और सच कहें पूर्णी, तो तेरे और विद्या के संस्कार मिश्री में हैं, वो अन्नो में नहीं। जी जी, उस लड़की का नाम हमारे और विद्या के नाम के साथ जोड़कर हमारा अपमान मत कीजिए। रात बहुत हो चुकी है, आपको आराम की जरूरत है। ठीक है,